मेरा किचन, आज मैं ही बनाऊंगी चिकन सीख कबाब। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं भुना हुआ चना लिया 50 ग्राम, इसको मैं मिक्सी में पाउडर बना लूंगी। चना को मैंने एक पाउडर बना लिया। आपके पास बेसन हो तो आप बेसन भून के भी ऐड कर सकती हूँ, तो मैं अभी ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 600 ग्राम चिकन लिया, इसको मैं बारीक पीस लिया, कीमा बना लिया। तो मैं अभी और एक मसाला बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा लहसुन लिया, एक प्याज काट कर लिया, 2 इंच अदरक लिया, इसको मैं अभी, और 3-4 हरी मिर्ची लिया। तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा एक पेस्ट बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया। इसका जो पानी है इसको हम निकाल देंगे। पानी मैंने सारे निकाल दिया, देखो ये भी मैंने ऐड कर देंगे सारे। आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया, आमचूर लिया 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स लिया 1/2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया, 1 चम्मच चाट मसाला लिया, 1 चुटकी हल्दी लिया और मैंने गरम मसाला लिया 1 चम्मच। 1 चम्मच में नमक ऐड कर देंगे, नमक अपने हिसाब से ही डालना। मैंने यहाँ पे ये लाल मिर्ची, जैसे कच्चा मिर्ची लाल हो गया तो इसको मैंने काट लिया, धनिया पत्ते काट लिया और पुदीना के पत्ते भी मैंने थोड़ा सा बारीक काट लिया। ऐड करूंगी, ये ऑप्शन है, या डालना ही आपको। आपके पास घी नहीं है तो बटर भी डाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक केला ले लिया, केला का हम धूल लगाएंगे। थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। एक घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। घंटा हो गया तो अब मैं सीख बनाऊंगी। इसको भी उठा देंगे। मेरे पास इस तरह से कुछ सीख है, इसे हम बनाएंगे सीख कबाब। इस तरह से आपको बनाना है, देखो जैसे मैं बना रही हूँ आप लोग भी इस तरह से बनाना। हाथ में थोड़ा थोड़ा घी लगा लेना तो चिपकेगा नहीं हाथ में। तो मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर तवा चढ़ा दिया, तवा गर्म हो गया, इसमें हम घी ऐड करेंगे। हम घी से ही बनाएंगे, आप बटर से भी बना सकते हो, बटर नहीं तो तेल से भी बना सकते हो। और मैंने सारे सीख को बना लिया, देखो अब एक एक करके सीख को हम डाल देंगे। देखो मेरा सारे सीख कबाब कितना अच्छा बन गया, तो ये रेडी हो गया, तो अभी निकाल दूंगी। तो मेरा चिकन सीख कबाब बनके रेडी हो गया। तो मैं एक में आपको कितना अच्छा बना देखो, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। क्या रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।